हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो लेक्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे प्लान के बारे में। एक प्लान होता है प्री प्लान और एक होता है आप कुछ समय पहले, 8 दिन पहले, 4 दिन पहले ही कुछ प्लान बनाते हो। तो जो प्री प्लान है उसको हम कैसे बोलते हैं और जो इंस्टेंट प्लान होता है उसको हम किस तरह बोलते हैं। तो जो आपका इंस्टेंट प्लान होगा उसके साथ हम विल का यूज करेंगे और जो आपका प्री प्लान होगा उसके साथ हम गोइंग टू का यूज करेंगे। अब हम बात इसका एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ किसी आइसक्रीम पार्लर के पास से गुजर रहे हो और आपने आइसक्रीम देखी, तो आपको लगता है कि आइसक्रीम देखकर आपने तुरंत प्लान बनाया कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो आप बोलोगे आई विल, यहाँ पे यूज करेंगे विल का, आई विल टेक आइसक्रीम। यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे आपने तुरंत तुरंत प्लान बनाया आई विल टेक आइसक्रीम। और इसमें अगर यहाँ गोइंग टू की बात करें, जैसे कि आपने अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त के साथ अपने डिसाइड कर लिया कि मैं हम सिटी जा रहे हैं, हम वहाँ पर सिटी जाएंगे और हम आइसक्रीम तो जरूर खाएंगे, तो हम आइसक्रीम खाएंगे, उसके साथ हम गोइंग टू का यूज करेंगे। तो आई विल, मैं आइसक्रीम खाने वाला हूँ। क्या तुम यूज करोगे आप? मैं आइसक्रीम खाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टेक आइसक्रीम। I am going to take ice cream. तो इस तरह हम इसका यूज करें क्योंकि ये प्लान आपने पहले ही बनाया। अब जैसे कि आपका दोस्त कोई नया मोबाइल लाया, उसके फीचर आपको अच्छे लगे, तो आपने तुरंत प्लान बनाया, इंस्टेंट प्लान बनाया तुरंत कि मैं तो ये ही खरीदूंगा। तो आप बोलोगे I will Why this? तो क्योंकि यहाँ पे आपने तुरंत I will buy this, क्योंकि I will buy this mobile यूज कर सकते हो। I will buy this mobile क्योंकि आप यहाँ पे आपने तुरंत ही प्लान बनाया, देखकर मोबाइल को आपने खरीदने का प्लान बना लिया। I will buy this mobile। और अगर हम वही टू की बात करें, जैसे कि आपने पहले ही प्लान बना रखा है 8 दिन पहले, या फिर डिसाइड कर लिया आपने कई दिन पहले ये प्लान बना लिया कि मैं आईफोन खरीदूंगा, या फिर 8 दिन 15 दिन पहले आपने ये प्लान बनाया कि मैं रियलमी या फिर आईफोन खरीदूंगा, तो आई एम गोइंग टू इससे बनाएंगे आई एम गोइंग टू बाय आईफोन iPhone X। इस तरह ये आपके प्री प्लान हुआ है, आपको पहले से ही आपने ये प्लान बनाया। आपका आज हॉलीडे, मान लो कि हॉलीडे है और संडे है आज, आपको दोस्त आप मिले, 4-5 एक दोस्त मिलकर आप सभी ने प्लान बनाया कि चलो आज मूवी देखते हैं, तो तुरंत प्लान बनाया क्योंकि आपका पहले से कोई डिसाइड नहीं था, आपने तुरंत प्लान बनाया कि हम मूवी देखने जाएंगे। वी विल गो टू मूवी, क्या बोलोगे? हम मूवी देखने जाएंगे। वी विल गो टू, वी विल गो टू द मूवी। यहाँ पे आपने तुरंत बना रखा, 4-5 दोस्त मिलकर आपने तुरंत ही प्लान बनाया, इंस्टेंट प्लान बनाया, इसलिए हम विल का यूज करेंगे। और आपको आपने जो मान लो कि मूवी रिलीज होने वाली है फ्राइडे को, वो आपने मंडे को ही प्लान बना लिया कि अपन फ्राइडे को मूवी रिलीज होने वाली है, हम मूवी देखने जाने वाले हम, या फिर हम मूवी देखने जाएंगे, तो आप यूज करोगे वी आर गोइंग टू Watch movie.
यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपने तुरंत ही यहाँ पे आपने प्री प्लान लिया, आपने ये प्लान तुरंत नहीं बनाया बल्कि ये प्लान आपने पहले से ही बना रखा। तो इस तरह हम यहाँ पे गोइंग का यूज करेंगे। तो आप फ्रेंड्स इस तरह आप समझ सकते हो, जो भी आप प्लान बनाते हैं इंस्टेंट तुरंत प्लान बनाते हो, उसके साथ हम दिल का यूज करते हैं। जो प्लान आपने पहले ही बना दिए उनके साथ हम गोइंग टू का यूज करते हैं। तो जब कभी भी आप इंस्टेंट प्लान बनाओ, तुरंत प्लान बनाओ, तो उसके साथ आप ईमेल का यूज करिए, और ये आपके प्लान आज पहले से ही बने तो उसके लिए आप गोइंग टू का यूज करिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो लेक्चर में।